मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भारी बारिश की मार से लोगों की खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसके लिए किसानों ने फसलों का सर्वे कराने और बीमा राशि को लेकर जद्दोजहद की, तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर फसलों का सर्वे भी किया गया। उसके बावजूद फिर एक बार किसान सड़कों पर उतरा और तहसील कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने बताया कि अतिवृष्टि में खेतों की फसल पूरी तरह चौपट हुई है, वहीं पटवारियों की जांच रिपोर्ट 33 से 50% का नुकसान बता रही है, जो कि किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहीं किसानों ने यह भी बताया कि तहसील कार्यालय से हमें चौपट फसलों की सर्वे रिपोर्ट की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सर्वे रिपोर्ट को सही करने की बात बताई है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। वर्तमान में जो अतिवृष्टि से पूरे जिले के अंदर जो नुकसानी हुई है, पूरा प्रशासन भी मान रहा है, केंद्रीय दल आया था वो भी मान रहा है कि 90% तक नुकसानी हुई है जिले में। लेकिन वर्तमान में जब आंकड़े कुछ जगह से हमें पता चला है और देखा गया है, तो मात्र 33 से 50% की नुकसानी प्रशासन मान रहा है। तो इसी की रिपोर्ट को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि हमें रिपोर्ट दिखाई जाए कि हमारे जो खेतों की स्थिति है, जो सर्वे हुआ है, उसकी क्या स्थिति है। क्या रिपोर्ट दे नहीं रखे तहसीलदार? हमें रिपोर्ट अभी तक नहीं बताई गई प्रशासन द्वारा। कपास पूरे क्षेत्र में अभी हम अभी जानकारी मिली है कि प्रशासन द्वारा जो आंकड़ों में हेर फेर किया जा रहा है एवं सिंचित रकबों को असिंचित किया जा रहा है। सिंचित रकबे का जो प्रावधान है धारा 4(6) के अंतर्गत 30,000 रुपये किसान को प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा, लेकिन असिंचित में सीधा आधा हो जाएगा 15,000 रुपये हेक्टेयर। तो इस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और आंकड़े बदले जा रहे हैं और किसानों को लाभ से वंचित किया जा रहा है। शनिवार भी आप लोग यहाँ आके आए थे, बैठे थे? शनिवार के दिन भी हमारे कुछ किसान आए थे यहाँ पर और इसी जानकारी को लेकर के हमें रिपोर्ट दिखाई जाए और जो आंकड़ों में जो पटवारियों ने जो रिपोर्ट दी है, पटवारियों द्वारा एवं पूरे प्रशासन द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें 50% से पूरे जिले की नुकसानी अधिक मानी गई है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ रिपोर्टें हमें पता चली है उसमें 30 से 50% की नुकसानी है। तहसीलदार साहब से आपकी मुलाकात हुई क्या? तहसीलदार साहब अभी हमें नहीं मिले। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग रिपोर्ट चाहते हैं कि रिपोर्ट दिखाई जाए एवं जो फेरबदल किया गया है आंकड़े दुरुस्त कर किसानों को लाभ दिलाया जाए। किस तरह का सर्वे सुनने में आया? अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 33 से 50% की नुकसानी पूरे जिले के सभी किसानों की मानी जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।